सलाम नमस्ते सत श्री अकाल दोस्तों, आज हम लोग बिहार की राजधानी पटना से 50 किलोमीटर दूर बिहार के वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर डिस्ट्रिक्ट आरा में लगभग 35 घंटे के सफर के बाद हम पहुंचे बिहार के रेलवे स्टेशन आरा जंक्शन में। पहले हमने सोचा बिहार की राजधानी पटना से व्लॉगिंग शुरू किया जाए, बट वहाँ पे मेरा कोई जान पहचान का था नहीं, तो हमें जाना था आरा और हमने आरा से व्लॉगिंग शुरू किया। ये डिस्ट्रिक्ट बिहार का पॉपुलर डिस्ट्रिक्ट में से एक है, जिसका नाम तो आपने कई सारे भोजपुरी सॉन्ग्स में सुना ही होगा। अब हमें जाना था रेलवे स्टेशन के उस पार मेन प्लेटफॉर्म तरफ, तो हम चलते गए मेन प्लेटफॉर्म की तरफ। यहाँ के काफी सारे लोग ऐसे थे जो हमें पूछ रहे थे कि भाई क्या कर रहे हो, कहाँ से आए हो। यहाँ पर सिर्फ मैं अकेला नहीं था बल्कि हमारे साथ थे और दो भाई लोग जो इतनी दूर से वीडियो बनाने के लिए आए हुए थे। यहाँ पे गर्मी काफी ज्यादा थी, जिसका टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस के बीच में था। उसके बाद हम स्टेशन पे इधर उधर घूमते रहे, उसके बाद हमें बहुत ज्यादा गर्मी लग रहा था तो हम चले गए एक शॉप पे, तो वहाँ से हमने कुछ खाने पीने का और कोल्ड ड्रिंक बाय कर लिया। उसके बाद कोल्ड ड्रिंक लेने के बाद हम स्टेशन से निकल पड़े। ये रहा आरा रेलवे स्टेशन के बाहर का व्यू। यहाँ पे काफी सारे टेम्पू एंड रिक्शास लगे हुए थे, बट हमें जाना था बाइक से तो हम निकल पड़े बाहर की ओर। रेलवे स्टेशन से निकलने के बाद हम स्टेशन के बाहर चले गए एक छोटे से ढाबा में एंड वहाँ से समोसा वगैरह खाकर हम निकल पड़े गाँव की ओर। दोस्तों यहाँ पे ट्रैफिक काफी ज्यादा था, जो आप देख सकते हैं यहाँ पे काफी ज्यादा ट्रैफिक था, और दो लोग जो आए थे उसमें से एक बंदा बाइक चला रहा था, जो आप देख सकते हैं इस वीडियो में। लगभग 5-7 मिनट तक ट्रैफिक जाम रहा, उसके बाद हम निकल पड़े अपने गांव की तरफ। हम जिस गांव में जा रहे थे ये गांव आरा टाउन से 20 किलोमीटर के आसपास था, तो हम चलते रहे कड़ी धूप में गांव की तरफ। हम चलते रहे उसके बाद बीच रास्ते में दोस्तों बाइक ने धोखा दे दिया और इंजन गर्म होने के कारण बाइक बंद हो गया। हम स्टार्ट कर रहे थे बट स्टार्ट हो नहीं रहा था। उसके बाद 5-10 मिनट के वेट करने के बाद इंजन थोड़ा ठंडा हुआ, उसके बाद हम निकल पड़े गाँव की तरफ। इन दिनों में यहाँ पर गर्म हवाएं चलती है जिसे लू भी कहा जाता है, फिर भी हम गर्मी में चलते रहे और एक भाई हमारा वीडियो बनाता रहा। यहाँ पे दोस्तों हमें एक चीज़ की कमी दिख रही थी और वो था पेड़ की कमी। जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हैं आपको काफ़ी कम पेड़ दिखाई दे रहा होगा इधर उधर। उसके बाद एक भाई वहाँ से चला गया और उसके बाद हम चले गए अपने गांव की तरफ। सो फाइनली पहुँच गए हम अपना गाँव। हमारा गाँव मेन हाईवे के साइड में पड़ता है, जो कि आप देख सकते हैं काफ़ी सारे बसेस इधर से उधर पार हो रही है। दोस्तों जैसे ही हम गाँव में पहुँचे और गाँव में जब हम एंटर हुए तो हमें गाँव का तो फीलिंग्स आने लगा, बट हमें यहाँ पे एक चीज़ जो गंदी लगी वो था यहाँ का रोड का कचरा। आप देख सकते हैं रोड के साइड में नाली का कचरा पड़ा हुआ था, जो देखने में काफ़ी गंदा लग रहा था। उसके बाद हम चलते रहे गांव की तरफ और आप देख सकते हैं गांव का नज़रिया कुछ इस तरह का देखने को मिलता है। अगर आप गांव से बिलोंग करते हो तो आपको ये पता होगा कि गांव का एनवायरनमेंट एंड वहाँ का माहौल काफ़ी डिफरेंट होता है शहरों से। दोस्तों इधर के गाँव एरियाज में ज़्यादातर आपको ईंट के घर देखने को मिलेंगे, बट उसमें प्लास्टर देखने को नहीं मिलेगा। आज से 20 साल पहले गाँव एरियाज के ज़्यादातर घर इस टाइप के होते थे, जो आप देख सकते हैं। ये रहा गांव का बड़ा सा पेड़ जहाँ पे लोग बैठा करते हैं। एंड हम लोग राइट साइड मुड़ गए और चलते रहे अपने घर की तरफ। अभी यहाँ से घर ज़्यादा दूर था नहीं, तो हम धीरे धीरे चलते रहे और वीडियो बनाते रहे। अभी दिन का समय था तो लोग आपको नॉर्मली रोड में काफ़ी कम देखने को मिलेंगे, बिकॉज यहाँ पे गर्मी काफ़ी ज़्यादा थी। अब हम बढ़ते रहे गाँव की तरफ बिकॉज घर ज़्यादा दूर था नहीं, और जो हमारे साथ दो लोग आए थे वो लोग चले गए और दूसरा बंदा वीडियो शूट कर रहा था। गांव का एनवायरनमेंट और नेचर का बात ही कुछ अलग है दोस्तों। ये जो जगह है इसे बोला जाता है कोतवाली, बट यहाँ पे एक भी कोतवाल देखने को नहीं मिलेंगे। आई थिंक पहले यहाँ पे कोतवाल हुआ करते थे, जिसके कारण इस जगह का नाम कोतवाली पड़ा। यहाँ पर एक समोसे और मिठाई की दुकान भी है जो काफ़ी पुरानी है, जहाँ पर लोग समोसा और मिठाई खाने आते हैं। ये रहा इस गाँव का काफ़ी पुराना दुर्गा जी का मंदिर। दोस्तों बिहार के लगभग हर गाँव में आपको इस तरह के छोटे मोटे मिठाई की दुकान देखने को मिल जाएंगे। ये जो आप लेफ्ट साइड में घर देख रहे हैं, पहले के ज़्यादातर घर इसी तरह के होते थे यहाँ पे। उसके बाद हम आगे बढ़ते रहे और ये रहा गांव का मस्जिद, जो काफ़ी पुराना मस्जिद है। उसके बाद हम बढ़ते रहे आगे की ओर। यहाँ पर हमें आगे की ओर काफ़ी पुराना और बड़ा सा पेड़ दिख रहा था, तो हम उस पेड़ की ओर चल पड़े। उसके बाद हमने बाइक खड़ा किया इस जगह में और हमसे दो तीन लोग पूछने लगे कि भाई कहाँ से आए हो, क्या कर रहे हो, क्या वीडियो बना रहे हो वगैरह वगैरह। उसके बाद हमने बताया कि हम लोग डॉक्यूमेंट्री व्लॉग शूट कर रहे हैं, बहुत दूर से आए हैं। उसके बाद हमें इस पेड़ के सामने एक दिख रहा था छोटा सा दुकान, तो हम इस दुकान पे चले गए और यहाँ से कोल्ड ड्रिंक खरीद कर हम निकल पड़े बाहर की ओर। अभी हमें जाना था आम की बगीचा की तरफ, तो हम निकल पड़े आम की बगीचा की तरफ। ये जो आप लेफ्ट साइड में घर देख रहे हैं, यहाँ पे पहले ट्यूशन पढ़ाया जाता था और आई थिंक अभी भी पढ़ाया जाता है ट्यूशन। उसके बाद हमें दिखा ये ग्राम पंचायत का बड़ा सा पेड़, जो काफ़ी पुराना है, और यहाँ पे छोटा सा मंदिर, जो ये भी काफ़ी पुराना है। हम बढ़ते रहे आगे की ओर और यहाँ पे हमें फिर से कचरा दिखा, जो देखने में काफ़ी गंदा लग रहा था।
ये जो आप देख रहे हैं लेफ्ट साइड में, ये एक समय में पूरा आम का बगीचा हुआ करता था जो आज के समय में जंगल झाड़ से भरा हुआ है। ये जो यहाँ पे आप ऊंचे ऊंचे पेड़ देख रहे हो, इसे बोला जाता है तड़कुल का पेड़। इन्हीं पेड़ों से ताड़ी निकाला जाता है। जब ताड़ का सीजन होता है तब लोग सुबह शाम इस पेड़ में चलकर ताड़ी निकालते हैं। सबसे पहले हम गए एक बगीचा में, यहाँ पे कुछ खास पेड़ था नहीं तो हम यहाँ से निकल पड़े दूसरे बगीचा की तरफ। उसके बाद हम पहुँचे दूसरे बगीचा पर। उसके बाद हमने इस बगीचा के रखवाली करने वाले को बुलाया एंड हमने बोला कि वीडियो शूट करने हैं वगैरह वगैरह, तो उन्होंने बोला आज आप अंदर आ सकते हो। दोस्तों यहाँ का जो आम का पेड़ होता है ये काफ़ी कम हाइट का होता है, जो आप देख सकते हैं काफ़ी कम हाइट में आम हो रखा है और काफ़ी घना होता है देखने में। उसके बाद हमने परमिशन मांगी यहाँ पे एक दो आम तोड़ने की, बट इन्होंने परमिशन नहीं दी हमें एक भी आम तोड़ने की। बोले कि वीडियो बना सकते हो मगर आम नहीं तोड़ सकते। गर्मियों के दिनों में इस तरह के बगीचे काफ़ी अच्छे ऑप्शंस होते हैं सोने के लिए, बिकॉज ऐसे जगहों का एनवायरनमेंट काफ़ी ठंडा और शांत होता है जिसके कारण आराम की नींद आती है। उसके बाद हमने बगीचा में इधर उधर घूमा और हमने देखा कि आम तो काफ़ी ज़्यादा हुआ था मगर हमें तोड़ने की परमिशन नहीं थी। यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी नीचे नीचे आम हुआ है और ये लोग बोल रहे थे कि अगर आम ऑटोमेटिकली गिर चुका है तो इसमें उठाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, और इन लोगों ने कहा कि जब आम परफेक्टली हो जाता है तो ये लोग बेच देते हैं। उसके बाद हम बगीचा से निकल पड़े और हम चल पड़े जगदीशपुर की ओर। जगदीशपुर यहाँ का काफ़ी पॉपुलर मार्केट प्लेस है जहाँ पर लगभग सभी चीज़ें मिल जाती हैं एंड यहाँ पर काफ़ी पुराना वीर कुंवर सिंह जी का किला भी है जो जगदीशपुर में ही है। तो हम जा रहे थे जगदीशपुर मार्केट की ओर, यहाँ पे आंधी तूफान आने लगा और आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा ज़ोर से हवा चल रही थी जिसके कारण धूल इधर से उधर उड़ रहा था। थोड़ी देर बाद हम पहुँच पड़े जगदीशपुर मार्केट में। आप देख सकते हैं कुछ ऐसा दिखता है जगदीशपुर बाज़ार। उसके बाद हमने एंटर किया एक गली में एंड यहाँ पर हमने अपने बाइक को रख दिया। उसके बाद हम निकल पड़े वीर कुंवर सिंह के किले की ओर। इस एरिया का जगदीशपुर एक ऐसा मार्केट प्लेस है जहाँ डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेराइटीज़ के शॉप्स एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रूट्स के दुकान मिल जाएंगे एंड तरह तरह की चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। उसके बाद हम निकल पड़े वीर कुंवर सिंह के किले की ओर और ये रहा वीर कुंवर सिंह के किला का मेन गेट। तो हम चल पड़े इस गेट की ओर और हमने एंटर किया इस किले में। ये जो किला है यहाँ का काफ़ी पुराना किला है जो कि काफ़ी पुराना बताया जाता है इसे, बट यहाँ पे अच्छी साफ़ सफाई का ध्यान रखते हुए एक किले को एक पार्क के रूप में तब्दील कर दिया गया है जो कि आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का देखने को मिलता है। ये जो जगह है देखने में काफ़ी पीसफुल लगता है और काफ़ी सुंदर भी लगता है देखने में, और यहाँ के लोग शाम को यहीं आकर खेलते हैं और बैठते हैं। किले की इस बाउंड्री के अंदर यहाँ पे एक मज़ार भी है जहाँ पे काफ़ी सारे लोग आते हैं दुआएँ मांगने के लिए। उसके बाद हम चले गए किले की गेट की ओर और हम एंटर कर रहे थे किले में। यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ा मूर्ति लगा हुआ है वीर कुंवर सिंह जी का एंड यहाँ पे काफ़ी सारे लोगों का नाम लिखा हुआ था जिन लोगों ने अपना यहाँ पे कंट्रीब्यूशन दिया है। हम 10 मिनट तक इधर उधर घूमते रहे और हमने किले के अंदर एंटर करने की सोची, बट यहाँ पे गार्ड ने परमिशन नहीं दिया एंटर करने के लिए। किले के आसपास दो तीन बड़ा बड़ा पेड़ था जो कि धूप से तो बचा रहा था बट यहाँ पे गर्मी फिर भी लग रही थी। आपको बताता चलूँ कि मैं इस किले में बहुत पहले भी आया हूँ, लगभग 5-6 साल पहले मैं जब आया था तो मैंने इस किले में एंटर किया था। किले का जो बाउंड्री था इस पे काफ़ी सुंदर वास्तुकला बनी हुई थी जो कि आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का वास्तुकला बना हुआ है इसमें। इन दीवारों पे वीर कुंवर सिंह तथा उनके सिपाहियों के साथ साथ अंग्रेजों का भी वास्तुकला बना हुआ था। आज से लगभग 5-6 साल पहले वीर कुंवर सिंह जी के जन्मोत्सव पे मैं इस किले में आया था, तब मैंने इस किले के अंदर एंटर किया था एंड काफ़ी सारी हिस्टोरिकल चीज़ें हमने इस किले के अंदर देखी थी। ये जो आप देख रहे हैं ये काफ़ी पुराना कुआँ है उस समय के इस किले का, जिसमें पानी तो सूख गया है बट कचरा इसके अंदर पड़ा हुआ है। आज से 20 साल पहले लगभग बिहार के हर गांव में इस तरह का कुआं देखने को मिलता था जो कि आज के समय में सभी कुआं मिट्टी में मिल चुका है। किले में काफ़ी घूमने के बाद हम निकल पड़े किले के बाउंड्री से बाहर और चल पड़े मार्केट की ओर। अभी चल रहा था शाम का समय तो आप देख सकते हैं काफ़ी सुहाना माहौल बना हुआ है यहाँ पे। अभी हमें निकलना था यहाँ से तो हम बढ़ते रहे आगे की ओर। इस समय हमें भीड़ उतना दिख नहीं रहा था क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक जाम हो जाता है, बट यहाँ पे अभी उतना भीड़ था नहीं। उसके बाद हम वहाँ से निकलकर आगे दूसरे गांव में एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं छत से गांव का नज़ारा। यहाँ पर ज़्यादातर लोग गर्मियों के दिनों में रात पर छत पर सोते हैं एंड रात के समय में यहाँ पे हवाएं चलती है जिसके कारण काफ़ी सुकून मिलता है। उसके बाद हमने देखा इस गांव में था एक छोटा सा मज़ार एंड हम वहाँ से निकल पड़े। दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं दीवारों पे इसे बोला जाता है गोईठा, जो कि आपको लगभग हर गाँव के दीवारों पर इस तरह का गोईठा देखने को मिल जाएंगे। ये गोबर से तैयार किया हुआ एक प्रकार का ईंधन होता है जिसे लोग खाना बनाने के लिए ईंधन के रूप में यूज़ करते हैं। उसके बाद हम आ गए किसी दूसरे घर के छत पर एंड यहाँ से आप देख सकते हैं गाँव का नज़ारा काफ़ी प्यारा लग रहा है देखने में। दोस्तों आपको बताता चलूँ कि मैं रहता हूँ असम में और मैं यहाँ पे आते रहता हूँ गांव में साल साल भर,
दोस्तों सबसे पहले हम ये सोच रहे थे कि बिहार की राजधानी पटना से वीडियो शुरू किया जाए और उन सभी एरियाज को कवर किया जाए जो बिहार में काफी ज्यादा पॉपुलर है, मगर हमारे पास काफी कम समय था जिसके कारण हम सभी जगह नहीं जा पाए। दोस्तों बिहार में घूमने के लिए काफी हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, जैसे बिहार का नालंदा यूनिवर्सिटी जो कि बिहार के नालंदा जिले में पड़ता है। इस यूनिवर्सिटी को विश्व का पुराना यूनिवर्सिटी में से एक माना जाता है। पटना साहिब, ये बिहार की राजधानी पटना में स्थित है, जहां अंतिम सिख गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म हुआ था। बिहार का गया जो हिंदू और बौद्ध धर्म का धार्मिक तीर्थ स्थल है। शेरशाह सूरी का मकबरा जो कि बिहार के सासाराम डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। इसके साथ बिहार का राजगीर जो बिहार का काफी पुराना धार्मिक पर्यटन स्थल है। इसके अलावा बिहार में घूमने के लिए काफी सारे ऐसे जगहें हैं जहां पे हम घूम सकते हैं। उसके बाद मैं घर से निकल पड़ा और मैं चला गया बाहर की ओर। एंड यहाँ पे हमने देखा एक दादी जी बैठी थी, तो हमने उनसे बात किया एंड थोड़ा देर बात करके मैं वहाँ से निकल पड़ा। उसके बाद हमारे पास ज़्यादा समय था नहीं, तो हम निकल पड़े गाँव से एंड चल पड़े हाईवे की ओर। एंड यहाँ से बस पकड़ कर हम निकल पड़े अपने रेलवे स्टेशन की ओर। तो आज का डॉक्यूमेंट्री व्लॉग हमारा यहीं समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप हमारे वीडियोस को लाइक कर सकते हैं और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।